हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एम एस एस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं 8, 9 वो सब अपलोडेड है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए अकाउंट्स की, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड मीनिंग इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म डेटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने को कहा गया है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। इस तरफ ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं हमें डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया गया है। इट मीन्स कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसके बाद के जो तीन यहाँ पर अकाउंट्स है वो ही हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक का क्वेश्चन सॉल्व है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको तीन अकाउंट्स रिमेनिंग है, वही बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप 4 एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो पहले एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्राॅइंग्स एट 10%। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राॅइंग्स, तो जो कैपिटल और ड्राॅइंग्स का टॉपिक है वहाँ पर हम टिक कर देंगे। कैपिटल और ड्राइंग्स आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक करेंगे, उसके नीचे करंट अकाउंट्स का टॉपिक अलग से दिया है और उसके लिए एडजस्टमेंट भी डिफरेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, यानी करंट अकाउंट्स जब ओपन कर रहे हैं तब करंट अकाउंट्स पे भी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट्स हमें दे दिया गया ट्रायल बैलेंस में, इसे टिक करेंगे हम। सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज़ आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। तो कुश जो एक पार्टनर है बिजनेस में, तो जो सैलरी पे होगी 1800 की, जो आउटस्टैंडिंग है टू कुश, तो उसकी यहाँ पर आपको कोई ट्रायल बैलेंस में इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं दिखानी है। हम डायरेक्टली इसकी एंट्री करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक बार इसे यहाँ पर टिक नहीं करते हैं। और लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। तो ये भी हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तब कमीशन ऑफ कुश, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसके कैलकुलेशन के बाद ही कमीशन पे कर पाएंगे कुश को। तो ये जो थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट है वो दोनों ही पार्टनर जो कुश है उससे रिलेटेड है, जो लास्ट में इफ़ेक्ट्स दिखाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने वाला होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक का सम ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व है। नेक्स्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपको बनाना है करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, लव कुश, पर्टिकुलर्स और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट हमारी होगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, और लास्ट में वर्किंग नोट के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहले ट्रायल बैलेंस की जो भी अकाउंट्स हमें दिए गए ट्रायल बैलेंस में उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं, आई होप फ्रेंड्स आप सभी के पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हमें फर्स्ट जो अकाउंट दिया गया दैट इज़ लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग। तो यहाँ पर लव जो है उसके कैपिटल्स और ड्राइंग का अकाउंट दिया गया है। तो फर्स्ट ये जो कैपिटल और ड्राइंग्स का अकाउंट है ये फिक्स्ड कैपिटल है, और फिक्स्ड कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे लव और कुश, ये इनका कैपिटल होगा। जो फिक्स कैपिटल दिया गया है दैट इज़ यहाँ पर हमें दिया गया है 1,20,000। उसके बाद फॉर कुश यहाँ पर हमें दिया गया है 80,000। आप इसका टोटल कर दीजिए, यहीं पर गिव्स अस 2 लाख रुपीज़।
तो आयो फ्रेंड्स, कैपिटल की एंट्री हमने यहाँ पर कर ली है। आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको यहाँ पर नोट डाउन किया है। अब नेक्स्ट जो इसी के साथ हमें दिया गया, दैट इज़ ड्राइंग्स। आप याद रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में होता है वही कैपिटल होता है। आपको दो कॉलम्स है, आप देख सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट साइड वाला है और ड्राइंग्स डेबिट साइड वाली है। तो ये हमने कैपिटल रिकॉर्ड किया। अब डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स के अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट यहाँ पर रो आपको दिख रही है, फर्स्ट रो आपको लीव करनी है, यानी एक लाइन लीव कर दीजिए, बिकॉज ऑलवेज यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल्स दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल्स के लिए लाइन लीव करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस लीव करके आप यहाँ पर डेबिट साइड में ड्राइंग्स दिखाइए, बिकॉज जो ड्राइंग्स है वो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट वाली ही यहाँ पर नोट डाउन करनी है और ये डेबिट में ही रिकॉर्ड की जाएगी। तो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है दोनों पार्टनर्स के लिए वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लव के लिए दी गई है 40,000 और कुश के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है 12,000 की ड्राइंग्स का अमाउंट। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है करंट अकाउंट्स ऑफ लव एंड कुश। तो यहाँ पर करंट अकाउंट्स यानी करंट कैपिटल की अमाउंट दी गई है लव और कुश की, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड की जाएगी। यही हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है, यहीं पर हम रिकॉर्ड करेंगे। एज हमने यहाँ पर देखा, हमने एक लाइन लीव की है टॉप में स्टार्टिंग में, तो यहीं पर करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे। अब आप फोकस कीजिए, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें करंट अकाउंट्स आपको अलग अलग दिए गए, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको डेबिट वाले का डेबिट में दिखाना है, क्रेडिट बैलेंस वाले को क्रेडिट में दिखाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक है 12,000 फॉर लव और कुश के लिए 80,000। तो जो 12,000 डेबिट साइड में है तो वो यहाँ पर डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जिस पार्टनर का है उस पार्टनर के कॉलम में लिखाएंगे हम 12,000, कुश के कॉलम में नोट डाउन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पार्टनर जो है लव, उसका जो बैलेंस है यानी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का आ रहा है, दैट इज़ 8,000, और ये 8,000 हम क्रेडिट साइड में ही नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने दोनों रिकॉर्ड कर लिए हैं, पार्टनर्स कैपिटल, ड्राइंग्स और करंट अकाउंट्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। तो क्रेडिट मतलब यहाँ पर भी क्रेडिट में ही आपको नोट डाउन करना है। तो इस तरफ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो हमें यहाँ पर मिला है, दैट इज़ 80,000। जो क्रेडिट बैलेंस था वो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक के पास आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, डेट हमें दे दी गई है, दैट इज़ 31 मार्च 2017, यानी एक क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक जब हमें ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया हो तब उसकी एक ही इफेक्ट होती है, दैट इज़ इन बैलेंस शीट। और वैसे भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो कन्फ्यूज़ होने का कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रही हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस लीव करके लिखेंगे, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स के लिए स्पेस लीव करेंगे और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 72,000 दिखा देनी है। एक ही इफेक्ट होगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का अकाउंट है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब
आप पूरे ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए, या तो आपको असेट्स या लायबिलिटीज़ या इनकम या एक्सपेंस दिया है, जो भी है सब कुछ आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वही पार्टनर्स करेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर अब जो ये इनकम है दैट इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, यानी ये एक पहले से ही हमने कर दिया, दैट इज़ इट इज़ एन इनकम। तो यहाँ पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, अगेन डेबिट साइड, दैट इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस तरफ लिख 3200। नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद हमें बिल्डिंग्स दी गई है। तो बिल्डिंग की अमाउंट आप देख सकते हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, बिल्डिंग है 1,60,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग भी यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स में आएगी, डेबिट साइड में। यहाँ पर फर्स्ट असेट साइड में हम फर्स्ट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बिल्डिंग्स, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,60,000 की अमाउंट। नेक्स्ट चेक करते हैं बिल्डिंग्स के बाद है डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स साथ में दिए गए, तो इसकी अमाउंट जो है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखें तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे डेटर्स, और डेटर्स की जो अमाउंट है वो डेबिट वाली ही आएगी, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेटर्स डेबिट साइड, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। तो राइट, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 80,000 की जो अमाउंट है डेबिट साइड में वो डेटर्स की ही है एग्जैक्टली, उसके यहाँ पर सामने आपको क्रेडिटर्स का कॉलम दिखा देना है। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो क्रेडिटर्स की है, तो यहाँ पर 28,000 हमें क्रेडिटर्स दिए गए हैं, और इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 28,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये डेटर्स मैंने इनर कॉलम में क्यों दिखाए, राइट, इस पर तो कोई एडजस्टमेंट टिक नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड डेट रिजर्व का जो टॉपिक आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो हम डायरेक्टली यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बना रहे, इसलिए ऐसे जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स लायबिलिटीज़ और असेट्स जो भी है सब का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इस सम में बैलेंस शीट में होगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसलिए बैड डेट रिजर्व की जो अमाउंट है वो लायबिलिटीज़ में नहीं आएगी, वो डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको डेटर्स इनर कॉलम में दिखा देना है। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दिया गया है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश और बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं दोनों साथ में है, बट जो अमाउंट्स है अमाउंट का कॉलम प्लीज़ एक बार चेक कीजिए, अमाउंट एक डेबिट साइड में है और एक क्रेडिट साइड में, तो आपको यहाँ पर सेम वही फॉलो करना है, एक अमाउंट यहाँ पर डेबिट आएगी और एक क्रेडिट आएगी। अब आप चेक कीजिए जो कैश बैलेंस है वो हमारा डेबिट बैलेंस बन जाता है, कैश कभी भी यहाँ पर लायबिलिटी साइड में नहीं लिखा जाता, बैंक बैलेंस लायबिलिटी साइड में आएगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट। दोनों अकाउंट्स को पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, इस तरफ आप पहले लिख दीजिए कैश, ऑलवेज कैश का टॉपिक असेट साइड में, और बैंक बैलेंस यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरफ आएगा, तो आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिख देना है। अब जो अमाउंट्स है तो कैश बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर असेट साइड में लिखा है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो कैश यहाँ पर लिखेंगे 4,800 जो डेबिट कॉलम में दिखाया गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो 20,000 की अमाउंट है वो यहाँ पर इस तरफ लायबिलिटीज साइड में दिखा देंगे, क्योंकि उसका अमाउंट क्रेडिट होगा, तो ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कन्फ्यूजन्स वाले कोई भी टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं बिल्स पेएबल्स। तो बिल्स पेएबल्स यहाँ पर अगेन हमारी एक लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पर इसे रिकॉर्ड करेंगे बिल्स पेएबल्स, राइट, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली बिल्स पेएबल्स की जो अमाउंट है दैट इज़
14,000 वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देनी है। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, बिल्स पेएबल्स के बाद हमें दिया गया है मॉर्गेज लोन, यानी अगेन लायबिलिटी है। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिकॉज सारे ऐसे एक्सपेंस, असेट्स, इनकम्स, प्रॉफिट सब कुछ बैलेंस शीट में ही दिखाना है। तो यहाँ पर मॉर्गेज लोन लायबिलिटी है, तो मॉर्गेज लोन फॉर रुपीज़, यहाँ पर हमें 1 लाख का दिया गया है, तो 1 लाख की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चेक करते हैं गुडविल। अब ये असेट्स है हमारी, तो यहाँ पर गुडविल असेट साइड में रिकॉर्ड कर देनी है। यहाँ पर किसी भी असेट्स पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है और गुडविल पे नहीं आता, तो यहाँ पर असेट्स में गुडविल और उसकी जो अमाउंट है दैट इज़ फॉर 40,000 वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं गुडविल के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो बस आपको यही डिसाइड करना है कि ये हमारी इनकम होती है या एक्सपेंस होता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे एक्सपेंस है, तो लायबिलिटी साइड में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस का टॉपिक यहाँ पर दिखा देना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमारे यहाँ पर दिए गए हमें ट्रायल बैलेंस में दैट इज़ 2,800 रुपीस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं रिसीवेबल रेंट। तो ये हमारी इनकम है, रिसीव होगी हमें रेंट की पेमेंट, रिसीव होगा हमें रेंट का अमाउंट। तो इस तरफ आप देख सकते हैं रिसीवेबल रेंट हमें यहाँ पर दिखा देना है, जो अमाउंट है उसके रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पर हम दिखा देंगे। रिसीवेबल रेंट 1,600 रुपीस। नेक्स्ट चेक करते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कमीशन जो एडवांस में रिसीव हो चुका है, यानी एक इनकम जो हमारी पहले ही आ चुकी है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ में जाएगी। प्लीज़ इस टॉपिक पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो एक्सपेंस हम पहले पे कर देते हैं वो हमारी असेट साइड में आती है, बट जो इनकम हमें पहले मिल जाती है वो हमारी लायबिलिटीज़ साइड में आएगी। ये टॉपिक मैंने 11th में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपको याद ही होगा। तो इस तरफ हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो टॉपिक है उसके नीचे, इस तरफ एडवांस में जो कमीशन रिसीव हुआ है उसकी यहाँ पर अमाउंट दिखानी है, दैट इज़ फॉर 800 रुपीज़, राइट। तो याद रखिएगा जो एडवांस में हम पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस का, वो हमारी असेट्स होती है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर हमें नहीं पे करनी होती है। और जो इनकम पहले ही रिसीव हो जाएगी वो नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगी, इसलिए वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में हमें दिखा देना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बैड डेट रिजर्व। तो अब ये टॉपिक आ चुका है जो आपको डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ BDR बैड डेट रिजर्व्स फॉर रुपीज़। यहाँ पर बैड डेट रिजर्व की जो अमाउंट है वो है 8,000। तो 8,000 हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, माइनस करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, इसीलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8,000। तो हमें यहाँ पर आउटर कॉलम में 72,000 रुपीज़ की अमाउंट मिल जाएगी। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स पेटेंट्स। तो यहाँ पर है फिक्स्ड असेट्स है, जो इनटेंजिबल असेट्स होती है पेटेंट्स, तो पेटेंट यहाँ पर लिख दिया। उसकी जो अमाउंट है दैट इज़ 12,000 रुपीज़ की, वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देनी है। फर्नीचर लास्ट टॉपिक, अगेन फिक्स्ड असेट्स हमारी, फर्नीचर का टॉपिक यहाँ पर दिखा देंगे। फर्नीचर की जो अमाउंट है दैट इज़ फॉर 24,000 रुपीज़, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो हमारी सारी असेट्स और लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। लास्टली अब हमें सिर्फ यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स की इफ़ेक्ट्स देनी है। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्राइंग्स एट 10%। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल पे पहले 6% का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो हमने कैपिटल लिखा था बैलेंस शीट में 1,20,000 और 80,000 का, इसी पे पहले 6% का हमें क्या इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। तो आपको 1,20,000 का 6%, 80,000 का 6% फॉर कुछ कैलकुलेट करना है, और दोनों की अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरफ पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्रेडिट साइड में आएंगे, इंटरेस्ट भी यहाँ पर इसी तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ लिखेंगे, और जो अमाउंट्स है दैट इज़ फर्स्ट जो
पार्टनर है इसके लिए यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 7,200 और जो नेक्स्ट पार्टनर है उसके कैपिटल पे 4,800। तो आप देख सकते हैं 1,20,000 का 6% और नेक्स्ट 80,000 का 6%, तो ये कैपिटल्स पे इंटरेस्ट। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट, राइट, हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट दिखाई है एडजस्टमेंट की, सेकेंड इफेक्ट इसकी हम दिखाएंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम इफेक्ट दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो चार्ज किया था, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में दिखाई थी, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी। तो इस तरफ हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, दोनों पार्टनर का नाम लिखना है बिकॉज यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पर्टिकुलर कॉलम्स नहीं है पार्टनर के, इसलिए लव एंड कुश। और जो भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 7,200 और लास्ट में 4,800, दोनों को ऐड करना है और यहाँ पर 12,000 की अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देनी है। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर रीड करती हूँ, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। तो ओपनिंग बैलेंस जो करंट अकाउंट का है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये रहा करंट अकाउंट, यहाँ पर ये जो आप ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं एक का डेबिट था एक का क्रेडिट था, बस इन्हीं पे हमें यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, देखिए इस तरफ जिसका अकाउंट है दैट इज़ लव का क्रेडिट साइड का था, तो इसका इंटरेस्ट इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका इंटरेस्ट इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा बस। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स, तो जो 10% का है तो इन पे 10% कैलकुलेट करना है, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स, राइट। तो ये करंट अकाउंट अब लव का है तो उसी के कॉलम में 8,000 का 10% 800 रुपीज़, इस तरफ टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पर अब कुछ 12,000, तो उसका 10% दैट इज़ 1,200 रुपीज़। और अब ये एडजस्टमेंट की फर्स्ट इफेक्ट हुई, सेकेंड इफेक्ट हम देंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर रिवर्स हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपने जिसको क्रेडिट साइड में लिखा है वो यहाँ पर डेबिट में आएगा और जिसको यहाँ पर आपने डेबिट में लिखा है वो इस तरफ क्रेडिट में दिखाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरफ क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर दिखाया था बाय लव्स करंट अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लव का 1200 जो हमने वहाँ पर डेबिट में दिखाया था वो इस तरफ क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पर जो कुश है उसके लिए जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है करंट अकाउंट का वो इस तरफ दिखाया जाएगा, टू कुश अकाउंट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं करंट अकाउंट, राइट। तो इस तरफ 800 की जो अमाउंट है फॉर कुश वो इस तरफ रिकॉर्ड करनी है। फ्रेंड्स, अब अभी तक हमने फिक्स्ड कैपिटल का इंटरेस्ट और करंट अकाउंट्स का इंटरेस्ट चार्ज किया है। अभी ड्राइंग जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें जो ड्राइंग्स का टॉपिक है वो यहाँ पर बाकी है। तो हमने पहले कैपिटल सॉल्व किया है, अब मैं ड्राइंग्स का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो ड्राइंग्स थी पार्टनर्स की, तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड की थी पार्टनर्स की ड्राइंग्स। इस तरफ आप देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने ड्राइंग्स लिखी थी दोनों पार्टनर्स की। तो इनकी जो इन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो इसी तरफ करेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे 40,000 की जो अमाउंट है, अब इस पर हमें 10% ड्राइंग्स चार्ज करनी है, तो 4,000 और कुछ के लिए 12,000 पे 10% दैट इज़ 1,200। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सेकेंड इफेक्ट हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, इस तरफ आप देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाई थी इफेक्ट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों जो पार्टनर है उनका यहाँ पर लिख देना है हमें, फर्स्ट लव 4,000, कुश 1,200, टोटल हमें यहाँ पर मिल रहा है 5,000
200, राइट। जो भी अकाउंट आप वहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारा है दैट इज़ मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज़ आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। तो अब सैलरी जो कुश को मिलती है वो 1800 है फॉर पर मंथ, राइट। पर मंथ की आपको सैलरी दी गई है 1800 कुश को, तो इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर टू सैलरी, बिकॉज ये एक्सपेंस है जो एक पार्टनर को देना है, तो यहाँ पर कुश लिखेंगे। और अब आपको कैलकुलेशंस करना है, 1800 एक मंथ की सैलरी उसकी बाकी है, यानी पूरे ईयर की बाकी है। यहाँ पर आपको सैलरी का दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में कैलकुलेट करना है। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुश की जो टोटल सैलरी यहाँ पर हो रही है वो हो रही है 21,600। अब ये सिर्फ पार्टनर कुश से रिलेटेड है, इसलिए ये जो अमाउंट है वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में कुश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर डेबिट साइड था तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। इस तरफ हम लिखेंगे टू सैलरी, राइट। जो भी सैलरी यहाँ पर है कुश के कॉलम में यहाँ पर आपको दिखा देना है 21,600 का अमाउंट, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बस आपको डेबिट क्रेडिट यही ध्यान रखना है, वहाँ पर डेबिट था यहाँ पर क्रेडिट, और जिस पार्टनर का है उसी के कॉलम में आपको अमाउंट्स दिखा देनी है। अब दो इफेक्ट हो चुकी, लास्ट वाला एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। After information of above mentioned adjustments on remaining profit, 10% commission is payable to Kush. तो यहाँ पर अब लास्ट टॉपिक बचा है, जो कमीशन है कुश को यहाँ पर मिलना चाहिए वो 10% होगा, तो उसका कैलकुलेशन हम जब टोटल करेंगे तब हम निकाल पाएंगे। तो इस तरफ पहले स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसे कितना यहाँ पर हमें देना है कमीशन। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब सिर्फ टोटल पे आपको यहाँ पर पूरा फोकस करना है। आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। तो इस तरफ क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 1200 प्लस 5,200, तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर आ रहा है 86,400 की अमाउंट आ रही है, सेम एज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 86,400 की अमाउंट। अब नेक्स्ट आपको स्टेप जो फॉलो करना है, इस तरफ यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस करने हैं, तो इन सभी को माइनस कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 12,800, 21,600, तो हमारे पास जो अमाउंट रहती है वो बचती है 52,000। ये 52,000 आपको यहाँ पर दोनों पार्टनर में डिवाइड अभी नहीं करने हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पहले कमीशन डिडक्ट करना है 10% का। तो वो जब प्रॉफिट डिवाइड होता है दोनों पार्टनर्स में, उससे पहले कमीशन माइनस किया जाता है। तो हम वर्किंग नोट में इसे सॉल्व करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं वर्किंग नोट हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 52,000 अब रिमेनिंग अमाउंट है, इसमें से आपको 10% का क्या करना है, माइनस करना है कमीशन फॉर कुश। तो कुश का कमीशन यहाँ पर माइनस करेंगे हम तो 10% की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 5,200, ये बन जाता है कमीशन, राइट। और इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5,200 जब माइनस हो जाएंगे टोटल 52,000 में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी वो होगी 46,800, ये बन जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। अब कौन से रेशियो में आप डिवाइड करेंगे इसकी एंट्री तो आपको दिखानी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमीशन की इफ़ेक्ट दिखानी है। अब डिविजिबल प्रॉफिट पे आता है, डिविजिबल प्रॉफिट का जो टॉपिक है यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आपको एक रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा तो ट्रायल बैलेंस से पहले हमें दिया गया है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो 60% प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे और रिमेनिंग 40% जो उनका प्रॉफिट होगा उसे वो 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो ये अब डिविजिबल प्रॉफिट है, तो पहले आपको इसका 60% फाइंड करना है, राइट। तो इसका 60% हमारा यहाँ पर बनता है, इसको
इस पे आपको 60% कैलकुलेट करना है। 60% की अमाउंट यहाँ पर आ रही है 28080। अब यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के लिए आप लव और कुश के लिए कॉलम्स बना दीजिए। तो इस तरफ लव और कुश के लिए कॉलम्स है। अब यहाँ पर आपको 3:2 यानी 3 और 2 इस तरह से डिवाइड करना है। तो 28,080 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर लव का जो हमें अमाउंट मिलेगा दैट इज 16,848, राइट। अब 28,080 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और इन दोनों का टोटल जो 5 होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11,232। तो ये पूरे प्रॉफिट का, ये जो पूरा प्रॉफिट था उसका 60% डिवाइड हो चुका। अब बाकी का 40% डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 40% कितना होगा, तो इसमें से आप डायरेक्टली ये अमाउंट माइनस कीजिए या फिर इसका 40% कीजिए, आपकी अमाउंट आएगी 18,720। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस 40% अमाउंट को वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले लव के लिए 18,720 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 इसका टोटल, राइट। तो 3 से डिवाइड करना है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 12,480 फॉर लव, और कुश के लिए यहां पर 18,720 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर अमाउंट आ रही है 6,240। अब दोनों पार्टनर्स का टोटल प्रॉफिट जो उन्हें मिला है यहाँ पर रिसीवेबल है वो कैलकुलेट करते हैं। तो लव के लिए अमाउंट आ रही है 29,328 रुपीज़, और फॉर कुश यहाँ पर अमाउंट इस तरफ आ रही है, आप देख सकते हैं इस तरफ, इसका टोटल करेंगे दैट इज़ 17,472। तो आई होप आप समझ गए। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है इसे हमें रिकॉर्ड करना है दोनों अकाउंट्स में, वो दोनों अकाउंट्स पार्टनर्स के ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो पहले इसकी इफेक्ट दिखाएंगे कमीशन की दोनों अकाउंट्स में, फिर इस प्रॉफिट की दोनों अकाउंट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स इफेक्ट यहाँ पर दे देते हैं। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कमीशन दिखाना होगा, जो कमीशन कुश को यहाँ पर मिला है दैट इज़ 5,200 हमने अभी कैलकुलेट किया। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर रिमेनिंग थी वो अमाउंट हमारी बचकर यहाँ पर जो आ रही थी 46,800। अगर आप फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 86,400 की जो अमाउंट है उसमें से आप सभी माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। अब इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी कर दिया, हम यहाँ पर सिर्फ अमाउंट्स लिख देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, और जो लव और कुश दोनों पार्टनर्स हैं उनके यहाँ पर पर्टिकुलर नेम के सामने आपको अकाउंट के सामने अमाउंट्स दिखा देनी है। तो यहाँ पर लव के लिए जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला था दैट इज़ 20,328 और कुश के लिए 17,472, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपने यहाँ पर देख लिया है। अब सेकेंड इफेक्ट, इन दोनों की सेकेंड इफेक्ट दिखानी है, जो यहाँ पर कमीशन है कुश का और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उन दोनों की सेकेंड इफेक्ट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक का कंप्लीट हो चुका। अब जो नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ही एंट्रीज करनी है टू कमीशन। अब ये कमीशन इस पार्टनर की इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कुश को हमने दिए थे 5,200 एज कमीशन, और अब टू डिविजिबल प्रॉफिट जो दोनों पार्टनर्स की अगेन इनकम हुई है, यहाँ से जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया उसकी सेकेंड इफेक्ट जो हमने पहले ही दिखा दी थी 29,328 और 17,472। बस अब लास्ट में हमें इस पूरे करंट अकाउंट का टोटल करना है। तो चलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले कुश का जो कॉलम है उसका टोटल कीजिए। यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 49,072 रुपीज़। आई होप यहाँ पर आपका भी टोटल सेम आ रहा होगा। अब कुश का यहाँ पर सेम अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं 49,072। इसमें से सारी अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर आ रहा है 22,672। तो ये बन जाता है यहाँ पर उनका बैलेंस।
जो करंट अकाउंट का है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा बैलेंस इन बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बैलेंस यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस शीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेक करते हैं, लव के लिए टोटल कीजिए इस तरफ, तो टोटल यहाँ पर आ रहा है 45,328, राइट। और इसी तरफ हम लिख देते हैं अगेन डेबिट साइड में सेम अमाउंट 45,328, सब्ट्रैक्शंस करना है 44,000 का, तो यहाँ पर अमाउंट जो रिमेनिंग है दैट इज़ 1,328। तो ये है फॉर लव। तो अब ये दोनों अमाउंट करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में जाएगी, करंट कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो इसे बस रिकॉर्ड करना है और बैलेंस शीट का टोटल करना है। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी बैलेंस शीट। आप यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट देख सकते हैं। आई होप आपने सारे अकाउंट्स यहाँ पर इसी तरह से रिकॉर्ड किए होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं करंट अकाउंट का टॉपिक। तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट्स है पार्टनर के, वो हम दिखा देते हैं। लव और कुश, इनकी जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी थी दैट इज़ फॉर लव 1,328 और कुश के लिए 22,672, इसका टोटल आउटर कॉलम में हमें दिखाना था दैट इज़ 24,000 रुपीज़। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें लास्ट में बस डेबिट और क्रेडिट साइड दैट इज़ असेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी असेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो असेट साइड का हमारा जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 3,89,600। आई होप आपका सेम आंसर आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सारी लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरफ सारी लायबिलिटीज़ आप देख सकते हैं, इन सभी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर ज़ीरो हो जाता है दैट इज़ 3,89,600। बोथ दी साइड्स हमारा टोटल सेम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इसी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं आपको फिर से पूरी बैलेंस शीट दिखाना चाहती हूँ किस तरह से हमने अकाउंट सॉल्व किए हैं। सारे अकाउंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने टोटल किया था, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से पूरा सम फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, कोई भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, सारे जो वीडियोज़ हैं मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती हूँ। वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।